केजरीवाल ने क्या कुछ कहा वो भी आपको दिखाते हैं। इकोनॉमिक टाइम्स ने क्या क्या सवाल पूछे उसके जवाब में केजरीवाल ने क्या कहा वो इस वक्त आप देख रहे हैं। इकोनॉमिक टाइम्स का सवाल था 2013 और इस चुनावी अभियान में फर्क क्या रहा, तो इसके जवाब में अरविंद केजरीवाल ने क्या कहा आपकी स्क्रीन पर है। इस बार बीजेपी और आपके बीच सीधा मुकाबला था, इसलिए हमें बीजेपी को उनकी घटिया चालों का जवाब देना था। इसके बाद दूसरा सवाल था, इस बार आपने वादे पूरे करने के लिए कोई डेडलाइन फिक्स की है क्या। जवाब में अरविंद केजरीवाल का कहना है हम सब करेंगे लेकिन इस बार सभी वादे 5 साल में पूरे जरूर होंगे। तीसरा सवाल, वो 3 चीजें क्या होंगी जो आप सीएम पद की शपथ लेने के बाद करेंगे। रिश्वतखोरी बंद करेंगे, बिजली और पानी के दाम कम करेंगे और महिलाओं की सुरक्षा प्राथमिकता होगी, ये जवाब अरविंद केजरीवाल ने दिया। जन लोकपाल का क्या होगा, ड्राफ्ट बिल क्या तैयार है, उस पर अरविंद केजरीवाल का कहना है हम उसे पहले असेंबली सेशन में पेश करेंगे। आपका और बीजेपी में 36 का आंकड़ा है, ऐसे में आप क्या करेंगे। जवाब में केजरीवाल ने कहा हम सकारात्मक सहयोग चाहते हैं, अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो वोटर्स उनको सबक सिखाएंगे। तो इकोनॉमिक टाइम्स ने आम आदमी पार्टी की, जब ये तय हो गया कि दिल्ली में सरकार बनने वाली है तो उसके बाद अरविंद केजरीवाल से ये सवाल पूछे, उसके जवाब में अरविंद केजरीवाल ने क्या कहा वो आपके